लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 28 अप्रैल की तमाम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई चर्चा में लॉकडाउन खोलने को लेकर नीति बनाने को कहा। पीएम ने राज्यों से कहा कि वो क्षेत्र में स्थिति के अनुसार जोन के हिसाब से लॉकडाउन खोलने का प्लान बनाएं। भारत की करीब 7 करोड़ खुदरा दुकानें अगले दिनों में वर्चस्व के लिए जंग के मैदान में बदलने वाली है। रिलायंस जियो ने इन दुकानदारों तक पहुंचने के लिए जियो मार्ट शुरू किया है। तो अब लॉकडाउन के बीच ही अमेजोन इंडिया ने लोकल शॉप्स ऑन अमेजोन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। कॉन्राड संगमा ने बताया कि हम चाहते हैं कि मेघालय में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहे ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। हालांकि संगमा ने यह भी कहा कि जो इलाके ग्रीन जोन में है वहां थोड़ी राहत दी जाए। सऊदी अरब ने नाबालिग अपराधियों के लिए मृत्युदंड की सजा को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला किया। मृत्युदंड के बजाय नाबालिग अपराधियों को अब जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी में अधिकतम 10 साल जेल की सजा दी जाएगी। धरती के बगल से गुजरने वाली अंतरिक्ष की बड़ी आफत, सिर्फ 48 घंटे बाकी। कोरोना से जूझ रही दुनिया के सामने नई मुसीबत अंतरिक्ष से आ रही है। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं। अगर दिशा में जरा सा भी परिवर्तन हुआ तो खतरा बहुत ज्यादा होगा। अलीगढ़ के थाना दादो इलाकों के गांव में एक लड़की की इज्जत की कीमत गांव वालों की नजरों में सिर्फ इतनी रह गई कि पंचायत करके आरोपितों को 5-5 जूते मरवा दिए गए और मुंह काला करके छोड़ दिया गया। इधर पंचायत से घर आकर किशोरी ने फंदा लगाकर जान दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में अपने राज्यों में इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। जिन राज्यों में अधिक केस है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा और जिनमें कम केस है वहां जिलेवार राहत दी जाएगी। अमेरिका में कोरोना वायरस से 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अमेरिका के कुछ राज्यों में इस हफ्ते से लॉकडाउन में छूट दी गई। इसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने चिंता जताई। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है कि लॉकडाउन हटाने से कोरोना के मामले में दोबारा तेजी आ सकती है और इससे भारी नुकसान होगा। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को पुलिस ने महानगर स्थित शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट से नोटिस दिया। जांच अधिकारी जेपी सिंह के अनुसार 30 अप्रैल को कनिका का बयान दर्ज किया गया। कनिका के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में दूसरों की जान खतरे में डालने सहित आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के तहत केस दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। जो राज्य ज्यादा प्रभावित है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां हालात ठीक है वहां जिला स्तर पर छूट दी जाएगी। राजस्थान में कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी है। कोरोना से सोमवार को 5 मौत हुई, इनमें 4 जयपुर में तथा 1 भरतपुर में दर्ज की गई। इसके अलावा प्रदेश में 39 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। अमेरिका में सबसे ज्यादा खराब हालात न्यूयॉर्क के हैं। यहां करीब 12,067 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया के अनुसार इस महासंकट से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिन रात एक कर दिया। ट्रंप के सहयोगियों का कहना है कि उनका पूरा स्केड्यूल बिजी है। सीडीसी ने कोरोना वायरस के 6 नए लक्षण बताए हैं, जिनमें ठंड लगने के साथ लगातार कपकपी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, स्वाद या गंध एहसास न होना शामिल हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के वकील फुजैल अयूबी ने बताया कि मौलाना की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। वकील ने कहा कि वो फरार नहीं है, न ही उन्हें दिल्ली पुलिस ने पेश होने के लिए कहा है। हमें कोई समन की कॉपी नहीं मिली। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिया कि मनरेगा मजदूरी रोजगार की अवधि वर्तमान 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दी जाए और मंत्रियों की एक समिति और विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।